हेलो एवरीवन, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो आप देख रहे हैं सुबह के 5 बजे, और ये वो टाइम है जिस टाइम पे लॉकडाउन से पहले मेरी एंडलेस रूटीन शुरू हो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। किसी ने कहीं जाना नहीं है तो मेरी रूटीन अब 6 to 6:30 के बीच में शुरू होती है। लेकिन आज आप किचन में इतना अर्ली जैस्मिन को देख के हैरान हो रहे होंगे। रीज़न, मदर्स डे। हमारे इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए उसने मेरा और मम्मा का काम टेक ओवर कर लिया है। दीदी आ रही है आपके पास। मम्मा का पूजा का सामान रेडी करना हो या फिर कुकिंग और क्लीनिंग, उदय की हेल्प से सब कुछ वो ही मैनेज करेगी। ये उसने हमें पिछले दिन ही बता दिया था, लेकिन वो कितना कर पाएंगे ये मुझे आइडिया नहीं था। हैप्पी बर्थडे। मम्मा को अपनी बर्थ डेट याद नहीं है, इसीलिए मदर्स डे के दिन ही हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मम्मा को सुबह उठते ही पीने के लिए गर्म पानी देना है, गेट खोलना है, रात के सूख चुके बर्तन सेट करने हैं, पानी फिल्टर करके क्ले पॉट में डालना है। सब काम उसे पता था जो उसने टाइमली कंप्लीट किया। मम्मा का पूरा सामान रेडी। कैसे घूरो मुझे। हुँ? चलो आओ, आ जाओ। सुबह सुबह आपको खेली खेली करनी है। इधर आओ, चलो हम थोड़ी देर इधर बैठेंगे। Yes, Jasmine Thakur was awake to see the sunrise. Mamma, देख लिया आपने? हाँ, मुझे बोलते तू बस sunset ही देखती आकर, sunrise मत देखियो। Here you go, sunrise. Suraj Devta is here. बच्चे भाग रहे हैं दूध वाले अंकल के पीछे, मतलब उनके ही बच्चे हैं ये, पर enjoy कर रहे हैं। स्टफी आ गए हैं, कुत्ते भाग रहे हैं, ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे शायद, अगर इनका मन किया तो, अगर आलस ने इन्हें नहीं झपेटा होगा। स्टफी, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्स। मदर्स डे आज, आप तो मम्मी के लिए कुछ करोगे नहीं, क्योंकि आपकी तो शक्ल से ही मम्मी खुश हो जाती है ना। तंग करूँगी ना, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। मदर्स डे है आज, वो हमारे लिए दिन में 365 days काम करता है। मैंने सोचा कि आज हम उनको एक ब्रेक देते हैं, वैसे वो डिज़र्व तो उससे ज़्यादा करते हैं। But I'm just trying my bit to, you know, remove some load. So yeah, that's what we're doing today. तो मैंने सोचा कि इस बार मैं कोई materialistic gift या कहीं घुमाने तो लेके नहीं जा सकती हूँ, because of factors well known to everybody. So why not just take over the whole day and give them one whole day of rest? This जानवर को कोई पड़ी नहीं है, ये सुनना ही नहीं चाहता कि दीदी क्या बोल रही है। Least bothered about anything in this world. Don't bring this toy to me. I'm not going to play with you because you're a bad doggy. Bada bada truck going. Okay, over and out. Happy Mother's Day to all the mothers out there. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी शक्ल दिखा के क्यों नहीं बोला है ये सब कुछ, because मैं अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ. But let's try. तो आप लोगों ने मेरी वो सारी स्पीच सुन ली? स्पीच क्या मतलब, कुछ बातें मैंने बोलनी थी वो मैंने बोल दी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार इसमें, इतना मोटा नहीं मेरा फेस, अब पतली हो गया मैं थोड़ी सी। सो या, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, बाय। इग्नोर मत किया, मैं तो थप्पड़ लगा दूंगी अब। बिग सिस्टर लिसन टू मी। स्टफू, चीजी खानी है आप? तेरे को सुन जाता है। स्टफू सुन। स्टफी, पनीर। हाँ जा, परे हो, परे हो जा। बाय, गुड बाय टू यू, एंड आई डोंट लाइक यू एनी मोर। ओके, अब से हम भाई बहन फाइट पे हैं। असिया मत ले तो मेरी बातों पे, भाई बहन फाइट पे हैं हम अब। मुझे मना लियो अगर, देखो बात करी होंगे मैं से तो मैं नहीं खेलूँ तेरे साथ। असिया मत ले मेरे सामने, डोंट यू फॉलो मी नाउ। तो अब मैं बेली थी, इसलिए मैं सोचा कि नहा के आ जाते हैं। सो मैं नहा के थोड़ा रेडी होके आ गई हूँ। माँ को बहुत पसंद है जो मैं ट्रेडिशनल डालती हूँ, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, आज मुझे ट्रेडिशनल डालना है थोड़ा सा। बट जो जीन्स है वो देखो मैंने उठा दिया। अब उदय बड़ा माँ और बड़ा पापा के लिए चाय बना रहा है। तो कुछ जेन्युइन बातों के साथ साथ आपने जैस्मिन की वो फालतू बकबक भी सुनी जो वो अक्सर करती है जब वो बोर फील करती है। एज़ यू ऑल नो, बातें करने में लड़कियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मैडम ने उदय को उठाया चाय बनाने के लिए, क्योंकि जो काम उसे हैंडओवर किए थे वो उसे करवाने भी थे। होममेड मट्ठीज एंड मट्रीज नीचे आ रही हैं।
हैप्पी मदर्स डे. क्या खा रहा है गंदा? मिट्टी खा रहा है हा? तो को मार पड़ेगी. लाइट भी नहीं है, लाइट चली गई. आजकल लॉकडाउन में ब्रेकफास्ट सिर्फ पापा ही करते हैं, तो उदय बना रहा है पापा के लिए ब्रेड और ऑमलेट. और उसके बाद शुरू किया जैस्मिन ने लंच बनाना. लंच में बना रही है आज वो राजमा और राइस. प्रिपरेशन उसने पहले कर ली थी, साथ ही एक लिस्ट भी उसकी रेडी थी कैसे कैसे सब चीजें करनी है. राजमा उसने बॉइल कर लिए हैं, अब तड़का लगा रही है और साथ साथ राइस भी वॉश कर रही है. और राइस वॉश करने का अपना ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर रही है, जिससे कि राइस का एक भी दाना नीचे ना गिरे. एक भी दाना नीचे ना गिरे. अगर अपनी माताओं के लिए कुछ करना चाहती है वो आपको करने ही नहीं देंगे. हो रही सच बोलते हैं लोग ना, औरतों को समझ ही नहीं सकते हैं. तुम क्या हो? मैं लड़की हूँ. उसमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत. अच्छा बेटा कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है, अपना भी आएगा, तब मैं पूछूंगी. तो आज इस लड़की ने हमें परेशान कर दिया है. मम्मा ये खड़े हैं, बर्तन हमारे सामने पड़े हैं. मैं भी कुछ करना चाह रही हूँ कि मैं भी कुछ किचन में हेल्प करवा दूँ, लेकिन ये लड़की हमें बिल्कुल कुछ भी करने नहीं दे रही है. मम्मा खड़े हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, काम सामने पड़ा है और हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए हैं कि डोंट टच एनीथिंग. मतलब हम लोग बिस्तर पकड़ लें आज. कई बार हम अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन वही बच्चे सरप्राइजिंगली हमारे लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज वक्त आने पे सब कुछ करवा देती हैं. सो नेवर बॉदर, सबकी डेस्टिनी डिसाइडेड है और हर पर्सन उसी की तरफ मूव करता है, फिर चाहे अपने बच्चों के वो एक्शंस हमें उतने अच्छे ना भी लगें. बट प्लीज़ उन्हें बस गाइड करें, अप्रिशिएट करें, उन्हें क्रिटिसाइज करके डीमोटिवेट ना करें. पापा कह रहे हैं कि राजमा बहुत टेस्टी बने हैं. जैस्मिन जब मैं काम करती हूँ तो परफेक्शन करती हूँ, तो नहीं करती. ओह, तो ये है बेटी की क्वालिटी कि काम करना नहीं है, जब करना है तो फुल परफेक्शन के साथ करना है. हम सभी के बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन थॉट्स में डिफ्रेंसिएशन तभी आता है जब हम उन्हें अपने तरीके का कुछ बनाना चाहते हैं. लेकिन सही तो ये है कि हम उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें, वैसे ही प्यार करें जैसे नेचर ने उन्हें हमें दिया है. आज खाने का स्वाद सचमुच ही अलग था, क्योंकि इसे आज मेरी बच्ची ने बनाया था. सबने खाने का मज़ा लिया और उसके बाद मम्मा का एक बार फिर से ट्राई किचन में जाके कुछ करने का. लेकिन जैस्मिन ने वापस से उनको चेयर पे बिठा दिया कि ये लीजिए अपना फ़ोन और बैठ के घंटों जिनसे बात करनी है बात कीजिए, व्हाट्सएप चलाइए, कुछ भी कीजिए. आप लोग हमें फ़ोन चलाने से रोकते हैं, लेकिन आज हम आपको फ़ोन हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि आप इंजॉय कर सकें. और यहाँ पे उदय मेरे साथ अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर कर रहा है और साथ ही कर रहा है लंच की डिशेस की सफाई. जैस्मिन ने उसे कहा है कि प्लेट्स वो क्लीन कर देगा, उसके बाद बड़े बर्तन वो खुद साफ करेगी. और यहाँ पे जैस्मिन मामा को समझा रही है कि वो अपनी पसंद की वीडियोस कैसे देख सकते हैं. तो ऑब्वियसली टाइम आज ऐसे ही बीतने वाला था, मेरा पूरा टाइम भी ऐसे ही बीता. थोड़ी बहुत मैंने बुक रीडिंग की या फिर मैंने कुछ वेब सीरीज देखी, कुछ देर आराम किया. बच्चों ने जब आज का दिन स्पेशल बना ही दिया है तो फिर एडवांटेज ले लिया जाए. आफ्टर लंच में यहीं पे बैठी हूँ, पूरा रिलैक्स किया है. अभी शाम के 5 बज गए हैं,
कोई काम बच्चों ने करने नहीं दिया है, सिर्फ मैंने अपनी बुक रीडिंग की है, कुछ वेब सीरीज वगैरह देखी है, थोड़ी देर रेस्ट किया है, तो मतलब पूरा दिन रिलैक्स किया है। तो मेरे ख्याल से किसी भी मदर के लिए इससे बेस्ट कोई गिफ्ट नहीं हो सकता जब आपके बच्चे आपका पूरा काम टेक ओवर कर लेते हैं, आपकी फिजिकल और मेंटल पेन को अंडरस्टैंड करते हैं। बस अब जैस्मिन की आवाज आई है नीचे से कि मम्मा चाय बन गई है, आप चाय पी लो आके। चाय मैन देखिए, और देखिए ये उदय चाय बना रहा है, गुलाब की पंखुड़ियां वगैरह सब कुछ डाल के बीच में। तो बस चाय के बाद जैस्मिन ने चाय के बर्तन क्लीन किए और उसके साथ ही बच्चे लग गए डिनर की तैयारी करने के लिए, और मैं और मम्मा बैठ के सिर्फ उनको देख रहे थे। तो मम्मा आपको कैसे लग रहा है आज बिल्कुल फ्री बैठ के? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं बच्चे, सारा काम इतने इधर ही करना। गलत नहीं कर रहे, वो आपको रेस्ट दे रहे हैं। रेस्ट ऐसे नहीं चाहिए, चाहिए नहीं रेस्ट, है ना, काम करना है बस, काम पे लग रहना है सुबह से लेकर रात तक, बस आज अपनी बॉडी को आराम दे लो आप। मम्मी आपकी शादी कौन सी एज में हुई थी? 14 ईयर्स में। तब आप कोई काम नहीं करते थे घर का? सब कुछ करते थे ना, ये आज ये बच्चे कर रहे हैं, और आपकी शादी 14 ईयर्स में हो गई थी हैं, इतनी कम उम्र में, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ देखना किया ना, ये भी कर सकते हैं। मम्मी को ये हजम ही नहीं हो रहा कि सारा काम आज ये लोग क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं कुछ करने दे रहे हैं। कोई नहीं, सुबह से फिर हमारी ड्यूटी चालू हो दोनों की। कल आपको सोने से पहले ना तो सैनिटाइजर कर रख दिया ताकि कल मैं से जो भी काम करूं वो सेफ हो खाने में। ओके, क्या बना रहे हो बे? चीजी फ्राइज और वेज बर्गर और चिकन बर्गर। आज तो मेन्यू बहुत बड़ा है। मैं आज कर रही हूँ बिल्कुल आराम, देखिए ये काम कर रही है, बर्तन साफ कर रही है, और वो पीछे चीजी फ्राइज बना रहा है, और मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ, सिंपल एज सिंपल एज दैट। उसके बाद जैस्मिन हमें बाहर ले गई फोटोशूट के लिए, क्योंकि उसका प्लान था कि आज पूरी फैमिली का फोटोशूट होगा ताकि इस दिन को और ज्यादा मेमोरेबल बनाया जा सके। तो ये बन रहे हैं यहाँ पे चीजी फ्राइज, वेरी गुड उदय, बड़े क्रिस्पी लग रहे हैं ये तो। वेज टिक्कीज जैस्मिन बना चुकी है, मम्मा क्योंकि नहीं खाते हैं नॉन वेज तो अभी बना रही है जैस्मिन चिकन टिक्कीज। बच्चों के मेन्यू में वेज बर्गर और चिकन बर्गर तो था, लेकिन आज हमें बर्गर बंस नहीं मिले, तो इसीलिए बच्चे बना रहे हैं बर्गर्स लेकिन ब्रेड के साथ। तो बस अब बारी आती है उस स्पेशल मोमेंट की, केक कटिंग। मैं चाहती थी कि मम्मा केक काटें क्योंकि उनका ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम इस दिन, लेकिन जैस्मिन ने कंबाइन केक बनवाया था और वो चाहती थी कि हम दोनों ही केक कट करें। तो यही है वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद फैमिली। कहते हैं कि अपने हर दिन को इतना स्पेशल बना लो, इतना खुश रहो, इतना हंसो कि आपकी जिंदगी की हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको छोड़ के जाने पे मजबूर हो जाए, वो भी आपको देख के हैरान हो कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। प्रॉब्लम्स हमें तब हरा पाती हैं जब हम मुस्कुराना छोड़ देते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ भी हंसते और हंसाते रहना जिंदगी जीने का एक ऐसा हुनर है जिनसे खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचने के रास्ते मिल जाते हैं। कहता अपनी चेयर लेके आओ, ये सीट बुक्ड हो गई है। क्या चाहिए स्टफी, अपना खाना खा लिया है ना? मैं आज आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी में होने के लिए, हमारी हर हिस्से के अंदर हमारी मदद करने के लिए, और आज ये दिन आपके नाम पर है। आज हम नहीं चाहते कि आप किसी तरह का काम करें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ज़िंदगी में रहें और खुश रहें। ओह थैंक यू सो मच। मैंने स्पीच लिखी इसलिए थोड़ा रफ है। नहीं, ये बहुत अच्छा था।
तो बस एंड ऑफ द डे एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। स्टफी को इस टाइम थोड़ी देर छत पे जाना होता है, तो छत पे जाने के बाद जब उसका मन करेगा तो वो नीचे आएगा और रूम में आके सो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।